इमरान के लिए सिर्फ चूँकि बात कर रहा हूँ आज, इसको रागों का भी पता है, क्लासिकल का भी पता है, पॉप का भी पता है, इसको नीम क्लासिकल सब बहुत समझदार है। जब हमने देखा कि शो का ग्राफ थोड़ा सा नीचे जा रहा है और ऑडियंस बोर हो रही है, तो हमने हमेशा अपने एंकर से कहा कि भाई इमरान का अनाउंस करो, भेजो उसको। और ये जब किया है स्टेज पर, तो माशाल्लाह इसने लोगों को इन्वॉल्व कर लिया अपने साथ और लोग आ गए इसके साथ, भंगड़े शंगड़े ये वो सब, क्लासिकल टच। और अच्छी बात ये है कि इसने बहुत बड़ा एक समझ लें हल्का अपना बना लिया है। लोगों को 40-40 साल हो जाते हैं गाना गाते हुए, लेकिन लोग नहीं जानते। तो एक बात ज़रूर कहूँगा कि जब ये आए तो इन्होंने मुझसे कहा कि भाईजान मेरी बड़ी विश है कि मैं मोइन भाई से मुलाकात करूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरा फला दिन फंक्शन है, उस डेट को ये आ गए। तो मैंने इनका हाथ पकड़ के मोइन भाई से मुलाकात कराई। मैंने कहा बिल्कुल ओपनिंग सिंगर आज कर दें आप इसका। तो जब अनाउंसमेंट हुई तो ये गया स्टेज पे, इसने अपनी गिमिक की जो इसकी जादूगरी है, जो ये बनता है लोगों से बातचीत करके, तो बड़ा इम्प्रेस हुए थे। और उन्होंने कहा कि तुम आइंदा मेरे पास आया करो, अपना नंबर दो मुझे। तो ये भी ऑनर की बात है कि मोइन अख्तर किसी आर्टिस्ट से नंबर ले। हमारे साथ आज भी अदब से खड़ा होता है, अदब बहुत है इसमें। जितने भी सीनियर आर्टिस्ट हैं सबका अदब करता है और सब इसे प्यार करते हैं। कोई मैंने आज तक आदमी ऐसा नहीं देखा या जिसने इसकी बुराई की है। मेरी तरफ से, मेरी कंपनी की तरफ से इमरान जावेद को बहुत मुबारक हो। और मैं चाहता हूँ अगली ज़िंदगी में भी ये ऐसे ही तरक्की करते रहे और ऐसे ही इस शो बिज़नेस में, म्यूज़िक फील्ड में अपना नाम बनाते रहे, नाम पैदा करते। थैंक यू वेरी मच।